हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और मैंने कुछ लास्ट वीडियोस बनाई थी जेई मेंस से रिलेटेड, उसमें मैंने कट ऑफ वगैरह का डिस्कस किया था और कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस बताया था सारी शिफ्ट्स का। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, अभी वो नहीं देखें क्योंकि ये वीडियो उसी से सिमिलर होने वाली है। फिर बहुत सारे कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि जो हमारी मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी, परसेंटाइल वगैरह निकलेगी और उससे फिर रैंक वगैरह कैसा, क्या पूरा प्रोसेस सिस्टम है, तो इसमें वो मैं बताऊँगा, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे आपके सब समझ में आए कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और जितनी भी चीज़ें हैं कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है या सेकंड दिया है या फिर आपका बीआर का है, बीटेक का, और अलग अलग शिफ्ट्स की परसेंटाइल कैसे कंपाइल होगी। तो वो पूरा कंपाइलेशन वगैरह सब बताऊँगा मैं इस वीडियो में, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जेई मेन्स 2019 अप्रैल और जनवरी दो में, दो राउंड्स में हुआ था, किसी का भी मानते हैं पहले बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले एक शिफ्ट एक राउंड का मान लिया आप, या तो अप्रैल मान लीजिए, जनवरी अप्रैल मान लीजिए एक मिनट के लिए, यानी कि 4 डेज में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 4 दिन, और एक डे में आपकी दो शिफ्ट थी। तो यहाँ पे आपके 8 सेशंस निकल के आ गए, 8 सेशंस, यानी कि 8 सेशंस में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। अब 8 सेशंस में अलग अलग एग्ज़ाम आता है, देखो टफनेस अलग होती है, डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है, कोई एग्ज़ाम इजी है, किसी में ये क्वेश्चन इजी है, किसी में नहीं आया, तो ऐसा कुछ हो जाता है। इससे लास्ट ईयर तक सही से रिजल्ट नहीं आता था, क्या होता था, आपका जो रॉ मार्क्स आते थे उससे ही आपकी सीधी डायरेक्ट वो बन जाती थी मेरिट लिस्ट, रैंक निकल जाती थी। तो उससे बहुत सारे बच्चों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था, अब मानो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम इजी आया और सेकंड का हार्ड आया, तो इस सब से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और सही से रिजल्ट नहीं आ पा रहा था स्टूडेंट्स का। किसी के मार्क्स ज़्यादा आ गए जो इजी एग्ज़ाम आया और जिसके टफ आया उसमें कम आ गए। तो इसको ओवरकम करने के लिए, यहाँ पे इस डिमेरिट को ख़त्म करने के लिए NTA ने क्या करा, इस बार जो NTA इस बार जेई मेंस ऑर्गेनाइज करा रही है, तो उसने यहाँ पे आपको परसेंटाइल कर दिया। जैसे कि हम मानते हैं फोरनून और आफ्टरनून दो में होता आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, देखिए शिफ्ट 1 में और आपका एग्ज़ाम हो रहा शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 का जो आया इजी आया और शिफ्ट 2 का टफ आया। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ जो जिस कैंडिडेट के 150 मार्क्स आ रहे हैं, 150, और यहाँ जिसके 120 आ रहे हैं, इनकी परसेंटाइल इक्वल भी आ सकती है। और ऐसा देखा भी जा रहा है, आप सोच भी रहे होंगे मार्क्स इतने, परसेंटाइल इतनी आ रही है, मेरे फ्रेंड के इतने थे उसके इतने आ रहा, ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हो सकता है उसका पेपर डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो या कम हो, तो इस वजह से चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं पूरा बताता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1 आपका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, यानी कि आपके 8 सेशंस में एग्ज़ाम हो रहा है, 8 शिफ्ट में, 4 दिन के और 1 दिन दो, तो सारे ओवरऑल 8 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो 8 शिफ्ट में पहले तो वो इक्वली डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं एक सेशन में। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, जब वो इक्वली एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद उनकी दूसरी कोशिश ये होती है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पूरा पैटर्न तो सेम ही रहता है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल, ईजी लेवल, एग्ज़ाम सेम नेचर का है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई क्वेश्चन है सेम तो आता नहीं है, पेपर अलग अलग डिफरेंट आते हैं, तो कोई क्वेश्चन किसी में टफ है, कोई किसी में ईजी है, तो ऐसा हो जाता। तो स्टेप 2 क्या करते हैं, वो जो स्टेप 2 होता है आपका, परसेंटाइल निकालते हैं वो ईच सेशन की, आपके मार्क्स से, आपके रैंक से आपकी परसेंटाइल निकाल लेंगे एक सेशन की। तो एक सेशन में क्या, एक शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 परसेंटाइल निकल गई, यानी किसी भी एक सेक्शन की, एक सेशन की मान लो शिफ्ट 1 की, मान लो शिफ्ट 1 की मान लो आप परसेंटाइल निकल गई, तो फिर उसे वो फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे, वो कंपाइल कैसे करेंगे। अब वो आपका सारे, यानी कि 11.5 लाख समथिंग स्टूडेंट से जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम दिया है उन्होंने, तो उनका सबका कंपाइल कर देंगे, और वो मैं अभी एक एग्जांपल से भी और NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जाके बताऊंगा वो कैसे कंपाइल करेंगे, तो वीडियो को देखते रहें। तो अब हम आ गए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ हम पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल ये जो लिख रहा है इसे ही देख लेते हैं क्या है, कंपाइलेशन डिस्प्ले रिजल्ट पेपर, यानी कि जनवरी वाला ये, उसे आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो रॉ मार्क्स जो ऑब्टेंड होंगे एक शिफ्ट में कैंडिडेट के, उसको आपको कंपाइल किया जाएगा, फिर मर्ज किया जाएगा आपके तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स के अलग परसेंटाइल निकाल के उस परसेंटाइल को मर्ज करके एक परसेंटाइल आपकी निकाल ली जाएगी, वो NTA स्कोर होगा।
वही आपका इसको लास्ट तक रहेगा। और मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, आप पढ़ सकते हैं ये वाला सेकंड वाला, कि अगर आपका जो जनवरी का स्कोर, मान लो जिन कैंडिडेट ने दोनों एग्ज़ाम दिए जनवरी का स्कोर और अप्रैल का स्कोर, उनको मर्ज नहीं किया जाएगा, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा दोनों का वो ही लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रैंक डिसाइड की जाएगी। तो इसमें कोई वो नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि दोनों मर्ज होंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मर्ज नहीं होंगे, जो आपका बेस्ट स्कोर है वही NTA का स्कोर माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक लगेगी। एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं, यहाँ से हम समझ पाएंगे जो आपका टोटल NTA स्कोर है 2019 का, वो इस ऑर्डर में डिटरमाइन होगा। मानो दो कैंडिडेट्स ने, ये और भी उनका सेम आ गया NTA स्कोर, परसेंटाइल उनकी सेम आई है, तो मानो ए के मैथमेटिक्स में परसेंटाइल ज़्यादा है, परसेंटाइल सेम है लेकिन ए की मैथमेटिक्स में परसेंटाइल ज़्यादा बी से, तो ए को यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन ऐसे ही फिजिक्स में दिया जाएगा, अगर मैथमेटिक्स में सेम है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी सेम है, देन केमिस्ट्री, और तीनों सब्जेक्ट्स के सेम हैं तो उसके बाद कैंडिडेट्स की एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और चारों चीज़ सेम आ जाती हैं, ऐसे आ नहीं सकती अगर बाई चांस आ गई, तो ये रिजोल्यूशन निकाला जाए दोनों की रिंग सेम रखी जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, होगा नहीं ऐसा, क्योंकि चारों चीज़ें आ जाए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखते हैं फोर्थ पॉइंट है, NTA स्कोर ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन रैंक ऑफ पेपर वन और ऑल कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन जनवरी 2019 एज वेल अप्रैल 2019 विल बी डिक्लेयर्ड बाय 30th अप्रैल। 30th अप्रैल लिख रहा है ये, पता नहीं कब तक आएगा रिजल्ट, तो लेकिन 30 तारीख के बाद ही आएगा ऐसा लग रहा है। इस विल कंप्राइज ऑफ 4 NTA स्कोर ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 4 NTA स्कोर द सेकंड अटेम्प्ट, 4 NTA स्कोर फॉर दोज अपेयर्ड इन बोथ द अटेम्प्ट्स बेस्ट ऑफ द 2 NTA स्कोर अलॉन्ग विद द स्टेटस ऑफ दोज हु क्वालिफाई फॉर अपेयरिंग JEE एडवांस 2019 प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी में द रैंक शेल कंप्राइज ऑल इंडिया रैंक एंड ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक। तो ये आप समझ गए होंगे दोनों का कंपाइल नहीं होगा, दोनों का जो बेस्ट स्कोर होगा उस हिसाब का ऑल इंडिया रैंक निकाली जाएगी। अब कंपाइलेशन का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने कोई खास ज़्यादा अच्छा बता नहीं रखा, मैं बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे ये BR का समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, जो BR है पेपर टू जो होता है उसका भी सेम ऐसा ही है, उसका ये बता देता हूँ। जब दो कैंडिडेट्स के सेम आएंगे तो क्या होगा, देखो ये IITs को हटा के अलग इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो देखते हैं कैंडिडेट्स ऑप्टेंग हाई स्कोर मैथमेटिक्स, यहाँ भी वही स्कोर इन मैथमेटिक्स, देन हाई स्कोर एप्टीट्यूड टेस्ट इन पेपर टू और देन ड्राइंग टेस्ट इन पेपर टू। तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग देख सकते हैं ये वाला, फिर वही है कैंडिडेट्स एज और उसके बाद कोई रिजोल्यूशन नहीं रखता तो सेम रैंक, तो सेम है यहाँ पे भी। और विल प्रिपेयर देन ओन रैंकिंग बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ये भी आप देख सकते हैं। और इनकी वीडियो चाहिए NITs IIITs CFTIs SFIs या अदर इंस्टीट्यूशन जो भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं तो कमेंट जरूर कर देना, उनकी वीडियो मैं बना दूंगा। और देखो ये एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा दे भी रखा है, ये सब नॉर्मली आपको पता होगा, अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको जाना है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को हटा दें, तो 12th में आपकी 75% मिनिमम होनी चाहिए एंड फॉर SC ST 65%, वो और कुछ नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स का वो है, ये सब भी आप जानते हैं, तो आप समझ गए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछें, कोई भी डाउट कमेंट करके जरूर पूछें, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।